हेलो एवरी वन एंड अ वेरी वम वेलकम टू शिक्षा सो गाइज हेर इज़ अनदर लेक्चर फॉर एम सी क्यूज ऑन एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर आप चाहे ना नबार्ड का पेपर दे रहे हो 2023 में आप आई का पेपर दे रहे हो आप कोई भी एग्रीकल्चर बेस्ड एग्जाम दे रहे हो आप कोई और जनरल नॉलेज जिसके अंदर आपका सब्जेक्ट है वो एग्जाम दे रहे हो हर के लिए ये जो क्वेश्चंस हैं आज के लेक्चर में इंपॉर्टेंट होंगे सात आठ क्वेश्चंस इसके अंदर हैं एंड जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर के एंड में बताया था जी आई टैग्स के ऊपर एक क्वेश्चन है जो अभी दिसंबर के uh, के मंथ अंदर ही जी आई टैग्स अनाउंस हुए हैं कुछ नौ हुए थे उसमें से एक जो था वो दैट वाज रिलेटेड टू फैब्रिक एसामिस गॉम्चा वो उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन नहीं डाला है बाकी के यहाँ पर कवर हो जाएंगे ठीक है सो लेटेस्ट क्विकली स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चन आप एम कोर्स जरूर एक्सप्लोर करो ठीक है ये एक मस्ट एक्सप्लोर कोर्स है इसका एक सैम्पल टेस्ट भी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में जो फ्री है वो भी आप अटेम्प्ट करके देखो आपको एक आइडिया लगेगा कि ये एमसीक्यू कोर्स आपको किस तरीके से हेल्प करने वाले हैं चलिए आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे द फेमस वाइट अनियन ऑफ विच स्टेट रिसेंटली गॉट द जीआई टैग टाइग हमने छ आठ महीने पहले भी किया था जब बेसिकली अप्लाई हुआ था जीआई टैग के लिए अब इसको मिल गया है तो व्हाइट अनियन ये कौन सी स्टेट को बिलोंग करता है और इसको रिसेंटली जीआई टैग जो है इसका अप्रूवल आ चुका है ऑप्शंस आपके सामने ये रहे महाराष्ट्र कर्नाटक यूपी एमपी फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं UP, है दोस्तों तुक्केबाजी करोगे कोई फायदा होने वाला है नहीं नेगेटिव मार्किंग की तरफ आप आगे बढ़ोगे सो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन ए महाराष्ट्र महाराष्ट्र uh, में व्हाइट अनियन को जी टैग मिला वाइट अनियन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं तो बेसिकली ये जो वेराइटी है इट इज नोन एज नोन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीजेस कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में बेसिकली हेल्प करता है दूसरा ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है क्योंकि इंसुलिन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है ठीक है एंड इसका जो टेस्ट है आपको जनरली देखता है देखने को मिलता है कि वाइट जो अनियन होता है थोड़ा शोर होता है लेकिन इसमें आपको स्वीट टेस्ट मिलेगा और इसको काटोगे ना तो आंखों में पानी नहीं आएगा ठीक है एंड बेसिकली एक हाई रिटर्न गिविंग क्रॉप है दो लाख पर एकड़ तक का रिटर्न जो है ये फार्मर को दे देता है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ अगेन जीआई ये सारे क्वेश्चन आज जीआई टैग से रिलेटेड है ओके okay? so, सो कार्पो अ वेराइटी वॉज रिसेंटली गिवन जी आई टैग फ्रॉम लद्दाख ठीक है तो लद्दाख जो आपका एक यूनियन टेरिटरी है उसमें ये राक्से कार्पो को जो है जीआई टैग मिला है अब ये पर्टिकुलर वेराइटी किस क्रॉप का वेराइटी है ऑप्शन बी सी मैंगो डी एलोवेरा ऑफ ये एक दूसरा टाइप हो गया मैंने कोशिश की कि मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन डालू जैसे पहला टाइप क्या था उसने स्टेट पूछ लिया अब ये दूसरा टाइप क्या हो गया इसने यहां पर ये तो बता दिया कि कहां पर से लिया है इसको कहां पर जीआई टैग मिला है नाम बता दिया लेकिन ये नहीं बताया कि ये किस क्रॉप का वेराइटी है ठीक है तो अल अलग अलग डायमेंशन के अंदर वो क्वेश्चन को घुमा करके पूछ सकता है तो आपको हर तरह के डायमेंशन के लिए जो है वो रेडी रहना जरूरी है ओके सो द राइट आंसर इन दिस केस गाइज विल बी ऑप्शन ए एप्रिकॉट का ये वेराइटी है जो लद्दाख से जिसको भी रिसेंटली जीआई टैग मिला ओके okay, तो लद्दाख के अंदर बहुत सारे टाइप्स ऑफ एप्रीकॉड ग्रो किए जाते हैं ये यूनिक है क्योंकि इसका जो कर्नल होता है ना वो व्हाइट कलर का है बाकी आपको ब्राउन मिलेगा ये एक लौता ऐसा एप्रीकॉट है जिसके अंदर आपको कर्नल जो है वो व्हाइट कलर का मिलता है ये खास बात है ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है जी आपका अट्टापदी थुआवरा अगर प्रोनसिएशन थोड़ी बहुत मेरी कुछ गलत हो रही हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा इज अ वेराइटी ऑफ ए गार्लिक बी अनियन सी बीस डी रेड ग्राम ई पर्टिकुलर वेराइटी किस क्रॉप का वेरायटी है तो जो हमने नौ जी आई टैक्स मिले ना नौ में से तीन तो हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं ठीक है एक हमने uh, जो तेलंगाना का देख लिया था uh, जो आपका रेड ग्राम uh, था दूसरा हमने अभी uh, एक, uh, एक uh, एप्रीकॉट का देख लिया और एक वाइट अनियन का देख लिया तीन हो गए तीन के बाद एक तो मैं आपको बता रहा हूं कि नॉन एग्रीकल्चरल था असामिजा था उसको छोड़ो प्लस पांच आपके जो है वो केरला से हैं ठीक है सो ये वाला जो वेरायटी है ये भी आपका कहां से आया है केरला से आया है ठीक है और ये किस पर्टिकुलर क्रॉप का वेरायटी है दिस इज अ वेराइटी ऑफ ऑप्शन डी रेड ग्राम ये रेड ग्राम का वेराइटी है ठीक है तो पांच एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे कि मैंने आपको बताया उनको जीआई स्टेटस मिला है फ्रॉम केरला उसमें आपके बीन्स आ जाते हैं विच इज योर अटापडी बू अवारा अटापदी थुअरा रेड्रामू सिर वेलुथमेलन ठीक है तो अभी में हमने पीछे क्या था थुआरा था ठीक है सो so, थुआरा इज रेड ग्राम क्लियर अब ये प्रोनाउंसिएशन अगर आपको भी प्रॉब्लम आ रही हो इसके अंदर आती है जेन्यून सी बात है यार बिकॉज डिफरेंस आता था ना uh, उसके अंदर तो अल्टीमेटली वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है नाम बस दिमाग के अंदर रहना चाहिए टिक मार्क लगाने वाला आपका जो है एमसीक्यू uh, uh, आ जाए तो आपका आंसर टिक हो जाना चाहिए उतना आपको अपने अंदर जो है वो डेवलप करना पड़ेगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये रेड uh, ग्राम की जो वेराइटी है इसके बारे में जान लेते हैं सो बेसिकली वाइट कोट के सीड्स होते हैं इसके बाकी अगर आप रेड ग्राम से कंपेयर करते हो तो ये व्हाइट कोट कोटेड होता है साथ ही साथ इसके बड़े सीड्स होते हैं एज कंपेयर टू अदर वेराइटी ऑफ रेड ग्राम सीड्स और इनका सीड वेट भी इसी वजह से हाईअर होता है ठीक है काफी डिलिशियस इसको कंसीडर किया जाता है एज अ वेजिटेबल और दाल इसको यूज किया जाता है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स फाइबर कैल्शियम और मैग्नीशियम के अंदर दिस इज रिच पता होने चाहिए वो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ये जो अट्टापदी थोरा है रेडग्राम जिसको रिसेंटली जीआई टैग मिला है ये किन किन मिनरल्स के अंदर रिच है फोर्थ क्वेश्चन अगेन जीआई टैग के ऊपर अट्टापदी अटूकम्बू अवरा ये बीन्स का जो एक वेराइटी है इसको जीआई टैग मिला है ठीक है ये सारी इंफॉर्मेशन बता दी केरला से है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ये किसके अंदर रिच है जो मैं बता रहा था ना अभी आपको कि ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकता है ठीक है ऑप्शन ए है लाइकोपिन बी कैरोटीन सी एंथोसाइनिन डी करक्यूमिन ई e, नन ऑफ करोमिन अबव किसके अंदर रिच है आपका अवरा, जो एक बीन्स का वेराइटी है सो दिस इज रिच इन ऑप्शन सी एंथोसाइनिन एंथोसाइनिन के अंदर ये बेसिकली रिच है एंथोसाइनिन के अंदर रिच है इसक्रॉप के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं तो पलक्कड़ रीजन केरला का वहां पर इसको ग्रो किया जाता है और कर्व्ड शेप में होता है जैसे गोट का हॉर्न होता है ना सींग होता है उस तरीके से बेसिकली ये दिखता है एंथोसाइनिन कंटेंट इसके अंदर रिच होता है अगर आप बाकी के बीन्स को देखते हो उसके मुकाबले और इसी वजह से इसको एक वॉयलेट कलर में आपको ये देखने को मिलता है इसके जो स्टेम्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं एंथोसाइनिन काफी यूजफुल होता है कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए और जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो उसके अंदर भी ये काफी ज्यादा हेल्प करता है उसके अलावा कैल्शियम प्रोटीन और फाइबर भी इसके अंदर काफी अच्छे खासे होते हैं उसके बाद फिनोलिक कंटेंट इसके अंदर अच्छा होता है जो बेसिकली इस क्रॉप को पेस्ट और डिजीजेस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है तो ऑर्गेनिक कल्टीवेशन हो सकती है क्योंकि नेचुरली इसको पेस्ट और डिजीजेस से प्रोटेक्शन मिल रहा है तो आपको आर्टिफिशियल या केमिकल इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स क्रॉप के अंदर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो इस इसी वजह से इस क्रॉप को एक ऑर्गेनिक नेचर जो है वो भी मिलता है फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ अगेन फिफ्थ क्वेश्चन सिमिलर जैसे फोर्थ क्वेश्चन था कंथलुर वतवडा वेलुथोली जो एक गार्लिक का वेराइटी है अगेन केरला से जीआई टैग मिला है यह किस चीज में रिच है ऑप्शन है सल्फाइड्स बी फ्लेवोनाइड्स सी प्रोटीन डी ऑल ऑफ अबव ई नन ऑफ दी अबव, अबव अगेन क्वेश्चन इजी सा है अच्छा ऐसे क्वेश्चन में ना कई बार बच्चे तुक्का लगा जाते हैं कि यार सब कुछ ही अच्छा दिख रहा है तो ऑल ऑफ दी कर देते हैं अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है ना ठीक होने की वो 20 से 25 25 की होती है 20 से टाइम ये ठीक हो जाता है लेकिन गलत भी हो सकता है तो तुक्केबाजी नहीं करनी है पढ़ा हुआ होना चाहिए पता होना चाहिए एक स्मार्ट स्टूडेंट तभी आंसर करता है तो ऑल ऑफ दी इज द राइट आंसर ये तीनों इसके अंदर आपको मिलते हैं ओके सो so, बेसिकली अगर आप बाकी एरिया के अंदर गार्लिक देखते हो और इस एरिया के अंदर जो गार्लिक है जो इदुक्की एरिया में केरला के ग्रो किया जाता है तो सल्फाइड फ्लेवोनाइड और प्रोटीन बाकी के गार्लिक से इसमें आपको ज्यादा मिलेगा एलाइसिन के अंदर भी ये रिच होता है जो इसको माइक्रोबियल इन्फेक्शन में अच्छा बनाता है आप इसको ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हो कैंसर के लिए यूज कर सकते हो कोलेस्ट्रॉल हार्ट डिजीजेस ब्लड वेसल्स के डैमेज को कंट्रोल करने में हेल्प करता है ये जो गार्लिक कल्टीवेट किया जाता है इस एरिया के अंदर ये एसेंशियल ऑयल्स के अंदर भी रिच होता है ठीक है तो वो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता था सिक्स क्वेश्चन है जी ओनतकोरा एलू ये सेजम का वेराइटी अगेन केरला में से जीआई टैग मिला है ये किस लिए हेल्पफुल होता है ऑप्शन ए फाइटिंग फ्री रेडिकल्स दैट डिस्ट्रॉय सेल्स इन योर बॉडी ऑप्शन बी डस्ट एलर्जी से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है ह्यूमंस को जिनको डस्ट एलर्जी होती है मसल इंप्रूवमेंट में हेल्प करते हैं ये ऑयल्स हेयर ग्रोथ में हेल्प करते हैं नन ऑफ दी अब सो जो इसका सही जवाब होगा अगेन तुक्केबाजी नहीं कर सकते हो अगर पढ़ा हुआ है आर्टिकल अखबार में आया था और ये जो इंफॉर्मेशन है ना ये जो बच्चे अखबार पढ़ते हैं उनके पास होगी क्योंकि ये इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन क्योंकि जब मैं एक्सप्लोर कर रहा था तब मेरे को किसी आ, वेबसाइट के ऊपर नहीं दिखा न्यूज के अंदर बट अच्छी डिटेल्स थी सो आंसर यहां पर होगा आपका ऑप्शन ए फ्री रेडिकल्स होते हैं बॉडी के अंदर जो आपके बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं तो आपका जो ये ऑयल होता है ना इस पर्टिकुलर सेजम वेराइटी का ऑयल ये इन फ्री रेडिकल्स से फाइट करने में हेल्प करता है ठीक है हेल्थ बेनिफिट्स काफी अच्छे इसके रहते हैं एंड अनसेचुरेटेड फैट होता है इसके अंदर हाई कंटेंट होता है और इसीलिए ये हार्ट पेशेंट्स के कंज्यूम करने के लिए इसको अच्छा कंसिडर किया जाता है चलिए लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ कोदुंगल और पोतुविलेरी ये किस चीज का रिच सोर्स है ऑप्शन है विटामिन ए बी विटामिन बी सी विटामिन सी डी कैल्शियम ई नन ऑफ अबव तो यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा यहां पर आपका सही आंसर है जी विटामिन सी ठीक है जी ये आपका एक जो स्नैप मेलन है ओके एंड इसको एरनकुलम एरिया में इसको ग्रो किया जाता है और ज्यादातर जूस की फॉर्म में इसको कंज्यूम किया जाता है समर हार्वेस्टिंग होती है एंड समर्स के अंदर इसको काफी अच्छा कंसीडर किया जाता है बॉडी के लिए विटामिन सी का कंटेंट काफी हाई होता है अगर आप बाकी के क्यूकर बेट वेराइटीज को देखो जो उनके मुकाबले कैल्शियम मैग्नीशियम फाइबर फैट कंटेंट भी आपको हाई मिलेगा इस पर्टिकुलर रीजन की कोदिंग वेराइटी के अंदर ओके अगेन जी आई टैग स्नैपमेलन का वेरायटी है केरला से राइट सो ये आपके जी आई टैग थे जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं दिसंबर मंथ के अंदर ये अनाउंस हुए हैं एंड जैसे जैसे और आते रहेंगे वो बाकी के करंट अफेयर्स में कवर होते रहेंगे अब लेक्चर देख करके मुझे आशा है कि आपको मजा आया होगा और मजा आया होगा तो आप सब्सक्राइब भी जरूर करोगे और शेयर भी जरूर करोगे ठीक है मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में वो ज्वाइन कर सकते हो वहां पर अपने डाउट्स पूछ सकते हो कमेंट में पूछ सकते हो व्हाट्सएप कर सकते हो मेल कर सकते हो हर जगह से ओपन कॉन्टैक्ट है कोई टेंशन वाली बात नहीं है चलिए सी इन द नेक्स्ट लेक्चर टिल देन टेक केयर एंड बाय